उस जमाने के मेहमान यही रुके थे। ये उसी जमाने का हवन कुंड, ये भोले बाबा की अद्भुत मूर्ति। हाँ तो भाई, स्वागत है आपका एसपीएल राहुल जी में एक नई वीडियो के साथ। हाँ तो भाई, आज की वीडियो में हम आपको लेके आए हैं जहाँ भोले बाबा के बारात जो रुकी थी जिस जगह पर, उस जगह के दर्शन करा रहे हैं। देख सकते हैं आप कैसी जगह है वो, शायद ही किसी ने देखी होगी। हरिद्वार के अंदर ही पड़ती है ये जगह और ये चंडी देवी के पास पड़ती है। तो हम आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर भोले बाबा की बारात रुकी थी और आपको सारा नज़ारा दिखाएंगे यहाँ का। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करिएगा। तो आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। अगर आप हरिद्वार आएँ तो इस जगह पर आएँ, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर किसी किसी को पता है इस जगह के बारे में। चंडी देवी से थोड़ा सा आगे ही पड़ता है ये वो मंदिर है। ये पहले पूरा जंगल था, अब यहाँ पर मंदिर बना दिया गया है। पहले के लोग बताते हैं कि यहाँ पर भोले बाबा की बारात रुकी थी। तो आपको सारा दिखाएंगे। यहाँ पर जो भोले बाबा की बारात में भूत प्रेत वगैरह जो सारे शामिल हुए थे, सब यहीं पर ही हुए थे। आपको दर्शन कराते हैं शिवलिंग के भोले बाबा की। देखिए ये आपको हम दर्शन करा रहे हैं भोले बाबा की शिवलिंग के। ये जल चढ़ाते हुए साधना माता जी जो दर्शन करा रही हैं हमें इतने अद्भुत नज़ारों के। इनका आश्रम है हरिद्वार के अंदर, आपको वो भी दिखाएंगे। आप उस आश्रम में अगर हरिद्वार आते हैं तो रुक सकते हैं और उसमें आप हवन वगैरह भी करा सकते हैं अगर आप हरिद्वार आएँ तो। ये देखिए कितना बड़ा घंटा है। देखिए आपको सारे नज़ारे दिखा रहे हैं हम उस जगह के जहाँ पर भोले बाबा की बारात रुकी थी। ये देखिए कितनी अच्छी और सुंदर भोले बाबा की मूर्ति है यहाँ पर। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।